नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां जल्द ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर बना हुआ सस्पेंस खत्म होने वाला है। आज दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में एमपी चुनाव के लिए बनाई गई पहली लिस्ट को हरी झंडी मिलने वाली है। इसी के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से 79 प्रत्याशियों के नाम वाली 3 लिस्ट जारी होने के बाद सबको कांग्रेस के उम्मीदवारों का बेसब्री से इंतजार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों शोरों से है। वही छत्तीसगढ़ में 10 अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। वही रायपुर कलेक्ट्रेट से लेकर मंत्रालय तक सभी विभाग 10 अक्टूबर तक हर वो काम खत्म करने की तैयारी में है जो आचार संहिता के कारण अटकी हुई है। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव मामले की जांच में एक बड़ी खबर आ रही है। मामले में जांच कर रही केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने भिलाई के कई स्थानों पर दबिश दी है। इसमें सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के जूस कारोबार और उससे जुड़े लोगों के ठिकाने शामिल है। बताया जा रहा है कि ईडी ने इसी मामले में सौरभ के साथी रवि उप्पल की भाभी प्रेरणा उप्पल पति राहुल उप्पल के घर पर नोटिस चास्पो कर दिया है। बालोद जिले में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। हम आपको ऐसे ही मतदाताओं से मिलाने जा रहे हैं जो कि लगभग 40 वर्षों बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी हां, बालोद जिले के बालोद जनपद पंचायत क्षेत्र में ग्राम जगतरा में रहने वाली आदिवासी बुजुर्ग महिला पुष्पा बाई नूरूटी, जिनकी उम्र बताई जा रही है आज लगभग 65 वर्ष हो चुकी है और लगभग 40 वर्षों बाद वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से मतदाता जागरूकता अभियान और मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए वृद्ध अभियान चलाया गया, इसके परिणाम स्वरूप पुष्पा बाई का नाम दोबारा मतदाता की सूची में जुड़ पाया है। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।